दिया होगा तो कैसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे आप। जबकि शिवाक्य में इच्छा प्रकट की गई हो, जबकि शिवाक्य में प्रार्थना किया गया हो, जबकि शिवाक्य में शुभकामना प्रकट हुआ हो, जबकि शिवाक्य में आशीर्वाद दिया गया हो, जबकि शिवाक्य में श्राप दिया गया हो, इन सभी वाक्यों को, ये जो सेंटेंस देख रहे हैं, इन सभी को हम लोग कौन सा सेंटेंस कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे कि वाक्य दो तरीके से शुरुआत होता है, एक होता है मे से और एक होता है बिना मे से। जो मे से शुरू होगा उसमें डेट का प्रयोग करते हैं, और जो मे से शुरू नहीं होता उसमें किसी का भी प्रयोग नहीं करते हैं। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का रूल है। मे से शुरू होगा तो डेट का प्रयोग करेंगे दोनों को जोड़ने के लिए, और मे से अगर शुरू नहीं होता है तो किसी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप ऑप्टेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो पहले थोड़ा सा आप परिभाषा लिख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। लिखो कि जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में इच्छा प्रकट किया गया हो, इच्छा प्रकट किया गया हो, प्रार्थना का भाव हो, आशीर्वाद दिया गया हो उसमें, या फिर आप कह सकते हैं कि उसमें आशीर्वाद के साथ साथ हो सकता है कि उसमें मान लो श्राप भी दिया जा सकता है, शुभकामना भी हो सकता है आया हो तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये वाक्य की बनावट रहा, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस की बनावट रहा, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आप इसको पहचान करके बता सकते हैं कि जिस वाक्य में इच्छा प्रकट की गई है, जिस वाक्य में शुभकामना प्रकट की गई है, जिस वाक्य में आशीर्वाद का भाव प्रकट हुआ है, जिस वाक्य में प्रार्थना का भाव प्रकट हुआ है, ऐसे वाक्यों को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब वाक्य की आप बनावट कैसे करेंगे, जरा देखिए। अगर वाक्य में सैड आया हो, नियम में बता रहा हूँ, नियम मैं पहला सैड हो और उसमें शुभकामना आया हो, तो हमेशा सैड को आप विश्ड में बदल देते हैं। सैड हो, ए अपना लिखो ना तुम, प्रार्थना का भाव का प्रकट हुआ हो तो आप विश्ड में भी बदल सकते हैं इसको, प्रियड में भी बदल सकते हैं। सैड हो और ऐसा महसूस होता है कि वहाँ श्राप की बात की गई है, तो आप इसको कर्ष्ड में बदल देंगे। शायद है, और अगर विदाई वाले शब्द आए हों तो आप इसको बेड में बदल देंगे। ये अच्छी नियम है। आप वाक्य के भाव के अनुसार समझ लेंगे किस वाक्य में शुभकामना दिया गया है, किस वाक्य में हाँ विदाई वाले शब्द आए हैं, किस वाक्य में प्रार्थना किया गया है, किस वाक्य में श्राप आया है। उसके भाव के अनुसार आप साइड को चेंज कर सकते हैं, जैसे देख रहे हैं आप। तो साइड को चेंज करने का विधि भी आप देख रहे हैं किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। और एक बार नोट में बता देते हैं कि यदि कोई वाक्य है, वह वाक्य मे से शुरू हुआ हो तो उसमें डेट का प्रयोग करते हैं, मे को हमेशा माइट में बदल देते हैं। और यदि कोई वाक्य मे से शुरू नहीं हुआ है तो आप किसी भी कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते। तो नोट में एक चीज लिख लो कि पहला लिख लेना, यदि कोई रिपोर्टेड स्पीच मे से
से शुरू हुआ हो तो डैट का प्रयोग करते हैं, तो डैट का प्रयोग करते हैं तथा मे को माइट में बदल देते हैं, माइट में बदल कर सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं।